आफ्टर क्वांटम नंबर नेक्स्ट है टॉपिक अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये याद रखिएगा कि हमें सेकंड चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें लास्ट में थ्री प्रिंसिपल दिए हैं। पहला है हमने जो स्टडी किया पॉलिस प्रिंसिपल, सेकंड है अफबाउ प्रिंसिपल एंड थर्ड है हंट्स रूल। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो ये अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ का मतलब होता है टू बिल्ड, यहाँ पर ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जो है अफबाउ का मतलब होता है टू बिल्ड। तो ये याद रखिएगा कि ये प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए अफबाउ प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम प्लेस करते हैं ऑर्बिटल में तो विथ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल के हिसाब से प्लेस करते हैं। मतलब लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को आप पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे आप जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखिए। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल के हिसाब से होगी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लो एनर्जी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल कहते हैं। ठीक है, तो जो अफबाउ प्रिंसिपल है, ये अफबाउ प्रिंसिपल जो है इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है लो एनर्जी ऑर्बिटल में, देन आपने जाना है हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब इसमें कैसे डिसाइड हो किसकी एनर्जी लो है किसकी एनर्जी हाई है, उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं एन प्लस एल रूल कहते हैं। अब ये एन प्लस एल रूल क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है 2s और एक ऑर्बिटल है 2p। अब आप समझ गए होंगे ये 2s का मतलब क्या है, आपने पढ़ चुके हैं। ये 2 जो है आगे ये क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होती है और spdf से l की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक, अगर s हो तो l की वैल्यू 0 होती है, p हो तो l की वैल्यू 1 होती है, 2 d हो तो l की वैल्यू 2 होती है और 3 के लिए f होती है। अब जैसे आपको इन दोनों की एनर्जी डिसाइड करनी है, किसकी, 2s और 3p की। तो 2s का मतलब हो गया L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, दोनों का सम 2, इसे N प्लस L कहते हैं, सम आ गया 2। और 3P जो है इसमें आ जाएगा 3P मतलब L की वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 4। अब जिसका सम ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इस तरह से डिसाइड होता है। इसे कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं, और इस तरह से इसकी एनर्जी डिसाइड करते हैं। या आप कह सकते हैं जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N प्लस L है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल होती है। तो ये है अफबाउ प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए ये ऑर्बिटल है, हम शेल वाइज चलें तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है इसलिए 1s खाली होता है, सेकंड में होता है 2s एंड 2p, सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं s और p होता है, थर्ड में s p एंड d 3 होते हैं। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारे पास हम जैसे ये पहले हमने लिखा 1s, फिर हमने लिखा 2s 2p, फिर हम 3s 3p 3d लिखते हैं, बट यहाँ हमने 3s 3p 3d लग के पहले 4s लिखा हुआ है, 3s 3p 4s फिर 3d आया। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर आप 4s और 3d इनकी एनर्जी डिसाइड करेंगे तो इसमें देखिए ऐसा होता है, इसमें 4s और 3d की हम बात कर रहे हैं, तो 4s जो है, ठीक है, 4s एंड 3d की हम बात करें, 4s का मतलब हो गया 4 प्लस 0, सम क्या आ गया 4, और 3d का मतलब 3 प्लस 2, सम आ गया 5। तो 3d जो है इसका सम 5 आ रहा है, मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। और अब वो क्या कहता है, पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए 4s पहले है उसके बाद 3d। तो ये सीक्वेंस होती है। नॉर्मली देखिए आप 3d तक मैक्सिमम, क्योंकि 3d तक 30 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर केस में आप 3d तक आएंगे, बट आपको सारी आनी चाहिए फिर भी निकालनी। ठीक है बेटे, अब इसका एक सीक्वेंस ये भी हम यूज़ करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट में 1s होता है, फिर सेकेंड में 2s 2p होता है, 3s में 3s 3p 3d होता है, थर्ड में 4 में 4s 4p 4d 4f तक जाते हैं,
5s में 5s, 5p, 5d, 5f तक, 6 में 6s, 6p, 6d एंड 7 में 7s, 7p। ये मैक्सिमम है जिसका हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास सात, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ सात पीरियड हैं। उसका रीज़न भी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो अभी तक डिस्कवर्ड हैं उसमें सात ही शेल हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने कि ये ऐसे लिख कर सारे इनकी ऐसे कटिंग कर देनी है, एक, ये दो, फिर ये तीन, ये फिर चार, ये फिर पाँच, ऐसे। और फिर इसका ये फ्रंट और इस वाले का बैक ऐसे ज्वाइन कर देना, फिर इसका फ्रंट, इसका बैक, इसका फ्रंट, इसका बैक, ऐसे ज्वाइन करते चलना है। अब आप यहाँ से जब मूव करेंगे, सबसे पहले क्या मिला आपको, 1s, हमने 1s लिख दिया। फिर घूम के आए क्या मिला, 2s। फिर घूम के आए क्या मिला, 2p। फिर 3s, फिर उसके बाद घूम के आए 3p। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले 4s आ रहा है, फिर आने उसके बाद 3d आ रहा है, 4s के बाद 3d। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस मिल जाएगा कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई बात, कैसे करना है? पहले ऐसे लिख लेना है 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p सारे, 5 के सारे, 6 और 7। फिर ऐसे इनको कट करना है क्रॉस में, और फिर एक का फ्रंट एक का बैक ज्वाइन करते चलना है। ठीक है बेटे, तो ये सीक्वेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे होता ही, आप करते करते आपको याद हो जाएगा, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जो है ये चाहिए इसके अंदर। अब क्या है, क्या है, इफ़ n प्लस l, अगर कई बार ऐसा होता है कि n प्लस l दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास, मान लीजिए हम कोई ऐसा ले लें, जैसे आपके पास मान लो है 2p और 3s की बात कर लें, ठीक है, 2p और 3s की बात करें। देखिए 2p का मतलब 2, n की वैल्यू, l की वैल्यू 1, सम क्या आया 3, और 3s की बात करें तो सम आएगा 3 + 0, क्या आया 3। अगर दोनों का सम सेम आ जाए तो उस केस में जिसकी n की वैल्यू ग्रेटर होगी उसको जो है एनर्जी हाइयर होती है, ठीक है, याद रखिए। देखिए अगर n प्लस l में जिसका सम ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर सम सेम आ जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू बड़ी होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस से भी डिसाइड करते हैं, वो यहाँ दिया कि इफ़ n प्लस l इक्वल्स टू सेम आ जाए, देन डिसाइड अकॉर्डिंग टू हायर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो n की वैल्यू जिसकी हाई होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। उस चीज़ को फिर हमने यहाँ पे ऐसे भी लिखा है, जैसे देखिए क्या है, ये n है, ये l है, n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होती है, ठीक है, आपको पता ही है क्वांटम नंबर है। तो इसको सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, 1s। सेकेंड शेल में हमारे पास दो सब शेल होते हैं, 0 एंड 1, तो 0 का लिखेंगे 2s, 1 का लिखेंगे 2p। फिर थर्ड में जाते हैं, थर्ड में होता है 0 1 2 आ जाएगा, 3s 3p 3d होता है। फोर्थ में 0 1 2 3 तक आएगा, तो 4s 4p 4d 4f, इस तरह से सारे यूज़ करने। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, अपने आप समझते जाएंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हंट्स रूल के, सॉरी अबो प्रिंसिपल के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक करके फिर आगे चलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए है सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो हमने क्या करना है, 1s2 2s2 2p 3s लिख लिया। पहला 1s है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद 2s में आई, इसमें s है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ भी 2 प्लेस कर दिया। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, यहाँ 6 प्लेस कर दिया। तो 6 + 2 8 + 2 10 हो गया। उसके बाद 3s, यहाँ तो हमारे बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको यहाँ प्लेस कर देंगे। ऐसे ही जैसे एल्युमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले क्या आता है, 1s, फिर क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा 3p। अब देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p है 6, कितने हो गए 10, फिर s में 2 12, p में 1 13। मतलब जैसे मान लो इस तरह से याद कर सकते, समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास चार ग्लास हैं और एक जग पानी आपको दे दिया, आप क्या करेंगे, पहला ग्लास फिर पूरा कंप्लीट भरेंगे, दूसरा कंप्लीट भरेंगे,
तीसरा कंप्लीट भरेंगे, उसके बाद जो आपके पास पानी बचा है फोर्थ में उतना डाल देंगे। वही यहाँ पे भी है, आपने पहले कंप्लीट करते चलना है, फर्स्ट सेल फुल कंप्लीट करेंगे, सेकंड सेल फिर कंप्लीट करेंगे, लास्ट में पर जितना बचा है वो इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो, ख़त्म हो गए। ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, अभी प्रैक्टिस कराऊँगा और भी। उसके बाद बच्चों साथ साथ हम करते चलते हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल जो है वो ये कहता है, हंट्स रूल जो है कि इलेक्ट्रॉन इन अ सेम शेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ सब शेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। अब ये क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास जो पी सब शेल है उस पी में हमारे पास तीन ब्लॉक होते हैं, ठीक, पी में तीन ब्लॉक हैं। अब मान लीजिए आपके पास पी में इलेक्ट्रॉन है फोर, आपको इस में सब शेल में फिल करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि दो यहाँ लिख दिए और दो यहाँ चार, ऐसे नहीं, पहले सब सिंगली फिल्ड करेंगे और वो भी विथ पैरेलल, मतलब सबका एरो सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक फिल किया, यहाँ एक फिल किया, यहाँ एक फिल किया, सबका एरो सेम है। उसके बाद फिर ये इसका डाउनवर्ड एरो बनाया, इसका डाउनवर्ड एरो बनाया, इसका डाउनवर्ड एरो बनाया, ऐसे। तो खैर यहाँ सिक्स मैंने फिल कर दिए पूरे, अगर फोर होते तो यहाँ थर्ड में आकर देता, इस सिक्स मान लो सिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करना, इसे कहते हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले सिंगली फिल्ड करेंगे उसके बाद पेयरिंग करते हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये है, अब देखो जैसे यहाँ पर हमने एनर्जी की बात कर रहे थे हम, देखिए एन प्लस एल रूल में जैसे क्या था, वन एस है तो एल की वैल्यू ज़ीरो, एल की वैल्यू ज़ीरो, सम वन आ गया। 2s में 2 है n की वैल्यू, l की वैल्यू ज़ीरो, सम 2 आ गया। तो 1s की एनर्जी से बड़ी किसकी एनर्जी, 2s की आ गई। 2p में क्या हो जाएगा, 2p में 3 प्लस वन सम 3 प्लस सॉरी 2 प्लस वन सम 3 आ गया। 3p जो है इसलिए सॉरी इसकी 2p की वैल्यू से बड़ी होगी, फिर 3s, ठीक है, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे जैसे आप आगे एनर्जी लेके जाएंगे। तो ये हमने रूल्स फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की लिखनी आनी चाहिए बच्चों, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की। जैसे हमारे पास देखिए अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो हमने सीधा लिख लिया 1s1। हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर, 1s2। लिथियम 3, तो 1s2, ये कंप्लीट हो गया, अगले मूव कर गए 2s1। बेरिलियम 4, 1s2, 2s2। बोरॉन 5, अब देखो 1s2, 2s2, ये भी कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2p में 1 प्लेस कर दिया। उसके बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6 क्या आ गया, 1s2, 2s2, 2p2। ऐसी नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, फिर पी में 4, फिर पी में 5, नियॉन पहुँचे, पी कंप्लीट हो गया, पी में आ गया आपका 6। अब पी में फिर से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो जब सोडियम पे जाएंगे इसलिए सोडियम का 11 है, तो आगे फिर 6 के बाद 3s में मूव कर गए। फिर ऐसे ही करते करते हम अप टू 18 तक नॉर्मल केस है, मतलब कहाँ तक, एटॉमिक नंबर 18 या आर्गन तक। इसमें देखिए क्या होता है, आर्गन में 18 होते हैं, तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब अगर एटॉमिक नंबर 19 आ जाए, ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब यहाँ 3p के बाद 3d नहीं यूज़ किया, हमने 4s यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो d ऑर्बिटल होता है 3d, उसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, इसलिए पहले हम इसको फिल करते हैं, 4s को फिल करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद एक जो इसमें एक्सेप्शन है वो ये चीज़ें हैं बेटा, कि याद रखिएगा जो डी और एफ ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं 10 और एफ में 14। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि डी में कभी भी 9 नहीं लिखते हैं, न्यूट्रल एटम के लिए, मतलब आयंस के लिए, न्यूट्रल के लिए, और 4 नहीं लिखते हैं। ऐसी जो एफ है उसमें कभी भी 13 नहीं होगा एंड 6 नहीं होगा। अगर 9 है तो उसको आपने 10 में कन्वर्ट करना है, 4 है तो उसे 5 में कन्वर्ट करना है, ऐसी 13 है तो उसको 14 में कन्वर्ट करेंगे, और 6 है तो उसे 7 में कन्वर्ट कर देंगे।
ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए 10 जो है ये कंप्लीट फील्ड है, इसे फुल्ली फील्ड कहते हैं, और 5 जो है ये हाफ फील्ड है, ठीक है, क्योंकि उसका आधा है। ऐसे ही एफ में 14 जो है वो फुल फील्ड है, 7 हाफ फील्ड है। होता क्या है कि जब कोई भी एलिमेंट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, इसलिए हम जो है इस तरह का केस यूज़ करते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? जैसे मान लो आपका डी में 4 है, तो आपने 1 शेल फिल किया, 2 शेल फिल किया, 3, 4, एक वैकेंट रह गया, तो मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। दूसरा, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कराते हैं तो उससे एनर्जी लॉस होती है और उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे देखो यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ये इंपॉर्टेंट बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पेपर में आती आती है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए थी? हम करते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये लिखते हम अगर नॉर्मल केस होता। बट जैसा मैंने कहा डी में 4 नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देंगे डी में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराकर 4s में 1 कर दिया, 3d5 हो गया। ये राइट है, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाली थी, तो ये इसका सही केस है। तो याद रखिएगा, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की आ जाए तो आपको इस फॉर्म में करना है। ऐसे ही कॉपर का केस है, कॉपर में एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो क्या लिखेंगे अगर इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब यहाँ देखिए डी में 9 है, अगेन हम डी में 9 तो लिखते नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कराया, डी में क्या कर दिया हमने 10 कर दिया, तो 4s1 3d10। तो ये आपकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी? कॉपर और क्रोमियम की। जैसा मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये आपसे रेगुलरली पूछी जाएंगी जब भी पेपर में आएगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, जैसे एक ये केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि आपको Cr3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब देखिए आपको पता है कि अगर Cr3 पॉजिटिव है मतलब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज की, पॉजिटिव का मतलब लूज किया, नेगेटिव मतलब गेन किया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें? क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिखते हैं? अभी मैंने आपको लिख के बताई, क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि डी में 3 कम कर देंगे। क्यों? ये 4s एनर्जी के हिसाब से हमने लिखा पहले है, बट एक्चुअल में इसकी जो है ये आउटर शेल है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से जाएगा 4s, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 4s भले ही हमने लिखा पहले है एनर्जी वाइज, बट एक्चुअल में ये बाद में होता है, आउटर शेल है, तो इलेक्ट्रॉन पहला रिलीज कहाँ से होगा? 4s से होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, आपको 3 निकालने थे, 2 इलेक्ट्रॉन आप d से निकालेंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी Cr3 पॉजिटिव की क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। आपने एक यहाँ से, 2 यहाँ से, तो ये बच गया 3d3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। उसके बाद एक होता है शॉर्ट मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। जैसे मान लिए हाइड्रोजन है, अभी हमने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1s1, हीलियम का 1s2 लिख देते हैं। अब हीलियम में 1s2 के बाद जब मूव करते हैं लिथियम पे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, 1s2 2s1, तो जो ये 1s2 है ये हीलियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिथियम के लिए हीलियम बाहर 2s1, ठीक है, नोबल गैस के साथ, नोबल गैस क्योंकि कंप्लीट शेल होता है तो उसको आगे लिखते हैं। ऐसे बेरिलियम, इसका 4 एटॉमिक नंबर है, तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2, तो 1s2 जो हीलियम, इसकी जगह पे हीलियम लिख देंगे, हीलियम 2s2, इस तरह से लिखते हैं। जैसे अब मान लो सोडियम का लिखना है, बड़े एटम्स की बात करें तो सोडियम का है 11, हमने क्या लिखा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये जो 1s2 2s2 2p6 है, ये नियॉन की भी होती है, क्योंकि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं नियॉन Ne3s1, ठीक है।
ऐसे ही पोटेशियम की लिखनी है, पोटेशियम पहले आर्गन आएगा, क्योंकि आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 इंटू 4s1। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और जो इसमें हमने करनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे बच्चों, तो ये याद रखिएगा कि जैसे आपके पास अगर एस है, एस में हम सिर्फ बनाते हैं एक ब्लॉक, एस में हम बनाते हैं एक ब्लॉक, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मैक्सिमम होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को विथ अपोजिट स्पिन इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद पी जो है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको जैसे 3 होते हैं, ठीक है बेटे, तो इसमें जो है हम इस तरह से लिखते हैं, 1 पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, 2, 3 पहले सिंगली फिल्ड करना है हंड्स रूल के हिसाब से, फिर पेयरिंग करनी है, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऐसे ही अगर आप डी की बात करें बेटा, डी में टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 5 ब्लॉक बनते हैं, ठीक है बेटे, 5 ब्लॉक बनते हैं ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे क्या जाएगा, पहले सिंगली फिल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, देन पेयरिंग 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरह से। ऐसे ही एफ़ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके लिए आपने 7 ब्लॉक बनाने हैं, 7 ब्लॉक बनाकर इस तरह से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 मोर 7 एंड देन पेयरिंग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब देखिए इसमें जिनका एरो सेम डायरेक्शन में है उनकी स्पिन सेम होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर, एक होता है एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर, वो जज किया जाता है इसी अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये याद रखिएगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो उसे कहते हैं डाया मैग्नेटिक कहते हैं, और अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला प्रेजेंट है, जिसे हम अनपेयर्ड कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैरा मैग्नेटिक। ये भी याद रखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है बेटे, देखिए डायमैग्नेटिक का मतलब होता है रिपेल बाय द मैग्नेट, और पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, पी के साथ पी नहीं आएगा, अगर पेयर्ड हैं तो पैरा नहीं हो सकता, पी पी इकट्ठे नहीं आता, पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब जैसे एक इसका क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि हमारे पास Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, ये दो आयंस हैं, इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिज्म किसका होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, जो आयरन होता है इसका एटॉमिक नंबर है 26 होता है। ठीक है, अब 26 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 पूरे हमेशा होते हैं, याद रखिएगा 4s2 तक। उसके बाद 4s2 के बाद क्या आएगा, 3d आएगा, 26 था तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 3d6 ये लास्ट होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब आपको क्या करना है, Fe2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, इसका आउटर शेल 4s है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। तो जब आप Fe2 पॉजिटिव के लिए लिखोगे, Fe2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक तो सेम जाएगा, लास्ट में 3d6 आ जाएगा। ठीक है, 3d6, और जब Fe3 पॉजिटिव की हम बात करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो s का, ये तो आपने निकाला ही था, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन 3 निकालने, 1 यहाँ से निकालेंगे, मतलब इसमें बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। ठीक है बेटे, अब देखिए हमें पता लगाना है कि इसमें ज़्यादा मैग्नेटिज्म किस में है। अब d अगर 6 की बात करें, लास्ट शेल का अगर हम ब्लॉक ड्रॉ करें, तो बेटा d में पहले इसके 5 ब्लॉक बना लिए,
अब इसमें हमारे पास कितने डी में सिक्स हैं, तो वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, फोर, फाइव एंड दिस वन इज सिक्स। ठीक है बेटे, अब देखिए हमारे पास ये है इसकी 3d 6k और d में 5, इसकी अगर देखें तो कैसे बनेगी। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, अब ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड 1 2 3 4, 4 सिंगल हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, जबकि इस वाले केस में 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक है, जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब Fe3 पॉजिटिव इज मोर पैरामैग्नेटिक एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। आई बस समझे, जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, और अगर सारे पेयर्ड होते तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो इस तरह से आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इसको निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज को जज किया जा सकता है। ठीक है बेटे।